हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी ट्यूब रोहित। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ध्वनि प्रदूषण पर निबंध। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, और साथ ही घंटे का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं ध्वनि प्रदूषण पर निबंध। ध्वनि प्रदूषण परेशान करने वाला शोर है जो मानव और पशु जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इसे पर्यावरण प्रदूषण के रूप में भी जाना जाता है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों के इंजनों, कारखानों और कैकर्स व बड़ी मशीनों की आवाज के कारण होता है। दोस्तों, इससे हृदय रोगियों के जीवन को भी खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के कारण अधिकांश नुकसान कान स्क्रीन की हानि का कारण है, जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के परिणाम बहुत खतरनाक हैं और भविष्य में चिंता का कारण बन रहे हैं। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के कई उपाय हैं, जैसे उद्योगों में ध्वनि रहित निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि दोस्तों साउंड प्रूफ होना चाहिए। उद्योगों और कारखानों को आवासीय भवनों से दूर होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है दोस्तों कि 45 डेसिबल डिग्री तक ध्वनि मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे कई मेट्रो शहर में ये पाया जाता है कि ध्वनि का मानक 90 डेसिबल डिग्री से अधिक है। मुंबई तीसरा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, जिसमें बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण है। दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आपको बनाया हुआ मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए। और कमेंट में ये लिखना ना भूलें दोस्तों कि मैं अगला ऐसे पैराग्राफ, स्पीच, लेटर, एप्लीकेशन कौन सी डालूं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा। धन्यवाद दोस्तों।